भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला गया। बारिश की वजह से इस मैच में काफी समय बर्बाद हुआ था और लग रहा था कि मैच का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच के छठे दिन पूरी तरीके से पासा पलट दिया। पहले ना सिर्फ टीम इंडिया को 170 के मामूली स्कोर पर आउट कर दिया और फिर लक्ष्य में मिले 139 रनों को 8 विकेट रहते ही हासिल कर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीतने के लिए 139 रनों का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और दो विकेट जल्द ही गिर गए थे। केन विलियमसन और रॉस टेलर ने शानदार पार्टनरशिप करते हुए टीम को जीत दिला दी। आपको बता दें 45.5 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाकर मैच जीत लिया। केन विलियमसन 89 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं रॉस टेलर 100 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के हार के उन 5 कारणों से रूबरू कराएंगे। टीम इंडिया के हार की सबसे पहली वजह रही दोनों ओपनरों का ना चलना। जी हाँ, पहली पारी में रोहित और शुभमन ने अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश तो की और 62 रन जोड़े थे, लेकिन जो टीम के लिए काफी साबित नहीं हुआ। उनकी हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह रहे चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा दोनों पारियों को मिलाकर 30 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। जी हाँ, पहली पारी में 8 रन और दूसरी पारी में केवल 15 रन बना सके। टीम इंडिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज का ना चल पाना टीम इंडिया को खासा महंगा पड़ गया। टीम इंडिया की हार की तीसरी वजह रहे कप्तान विराट कोहली। जी हाँ, सबसे पहले तो टीम चयन को लेकर ही उनकी काफी आलोचनाएं हो रही थी। साफ कहा जा रहा था कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन वो दो स्पिनर लेकर उतरे। इसके अलावा बल्ले से भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। पहली पारी में 44 रन, वहीं दूसरी पारी में सिर्फ 13 रन बना पाए थे। टीम इंडिया की हार की चौथी वजह रहे जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो अपनी खराब गेंदबाजी की वजह से याद किए जाएंगे। टीम इंडिया की हार की पांचवी वजह रहे रविंद्र जडेजा। जी हाँ, तेज गेंदबाजों की मददगार पिच पर टीम इंडिया पहले दो स्पिनरों के साथ उतरी, जहां पर रविंद्र जडेजा के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं था। पहली पारी में तो सिर्फ 7.2 ओवर ही उन्होंने गेंदबाजी की थी। इसके अलावा बल्ले से भी रविंद्र जडेजा कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। जहां पहली पारी में केवल 15 रन, वहीं दूसरी पारी में सिर्फ 16 रन ही बना पाए। तो ये थे वो 5 वजह जिसकी वजह से टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।